हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन हियर इट इज, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दे कुड फॉर्म अ कम्युनिटी, अ सोसाइटी, अ पॉपुलेशन और अ स्पीशीज। सो लेट्स स्टार्ट हियर द क्वेश्चन विद द की कंसेप्ट। सो अगर हम यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, सो फर्स्टली वी नीड टू डिस्कस अबाउट बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देन एबायोटिक। सो बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब हो गया द कंपोनेंट दैट आर इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम। इसमें जैसे कि आ जाते हैं प्लांट्स, इट कुड इंक्लूड एनिमल्स, इट कुड इंक्लूड फंगाई एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की, वी कुड टॉक अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स, इट कुड इंक्लूड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। नॉन लिविंग कंपोनेंट में आ जाता है फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स, दैट कुड इंक्लूड फिजिकल एंड इवन इट कुड इंक्लूड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। सच ऐसा हो गया, हम कह सकते हैं सनलाइट है, इवन दैट कुड इंक्लूड वाटर, ठीक है, सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है। सो ये जो स्पीशीज है, मतलब ये कह सकते हैं वेन दीज कंपोनेंट्स इंटरैक्ट, जब ये कंपोनेंट्स क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया, इन अ स्पेसिफिक एरिया, इन दैट केस दे फॉर्म अ कम्युनिटी। वो क्या बना देते हैं, दे कुड फॉर्म अ कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी है, दैट पर्टिकुलरली इंक्लूड्स ऑल द पॉपुलेशन, इट कुड इंक्लूड ऑल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, दोज लिविंग टुगेदर, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो कि लिविंग टूगेदर एक साथ रह रही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन है कम्युनिटी। होप इट इज क्लियर। ऑल द बेस्ट।